पिछली क्लासेस के अंतर्गत टेली प्राइम के अंतर्गत हमने पढ़ा था क्लास कंसेप्ट, और क्लास कंसेप्ट मैकेनिज्म में आपने देखा कि कैसे हमारे कार्य को, हमारे वाउचर एंट्री को बहुत फास्ट तरीके से, फास्ट मेथड से ये करता है। यानी जब हमें फटाफट से वाउचर रिपोर्ट करना हो, टैक्स का कैलकुलेशन करना हो, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करना हो, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस और डिलीवरी चार्जेस वगैरह कैलकुलेट करना हो, तो बहुत अच्छे से हम वाउच एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लास के माध्यम से। चलिए, और हमने कुछ वाउच एंट्रीज भी देखे थे, उन्हीं को आगे हम देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घर बैठे ही टेलीप्राइम सीखने के लिए आप 499 का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं, और ये पैकेज मिलेगा हमारे शुभम एकेडमी ऐप पर, जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट ये है कि आपको हमारी सभी क्लासेस वन बाय वन मिलेगी। उस बेहद पर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो टेली आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आप टेली प्राइम के हिंदी नोट्स चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 350 रुपये में आपके घर पर ही ये उपलब्ध करा दी जाएंगे, यानी आपके एड्रेस पर हार्ड कॉपी के रूप में ये प्राप्त होंगे। चलिए, तो हम आगे की वाउच एंट्री को सीखते हैं और देखते हैं टेली प्राइम के अंतर्गत। तो पुरानी वाउच एंट्री को जब भी आपको देखना हो तो आप जाएंगे डिस्प्ले के अंतर्गत, अकाउंट बुक के अंतर्गत, यानी यहाँ पर प्रेस करेंगे डी ए, और परचेस की एंट्री देखना है, सेल की एंट्री देखना है तो आप पी प्रेस कर सकते हैं, सेल्स के लिए एस कर सकते हैं। अभी हमें परचेस की देखना है तो पी प्रेस करेंगे एंटर, या डी डे बुक में भी जा सकते हैं। डे बुक में एक ही दिन का दिखाएगा जबकि परचेस में तमाम परचेस दिखा देगा। तो यहाँ पर शिवराजी कंप्यूटर से हमने 70,800 का माल खरीदा था। ये वाउचर एंट्री हमने पिछली क्लासेस में किया था। आगे की एंट्री हम देखते हैं। ये हमारी 14 नंबर की एंट्री है, और 15 नंबर यानी 15 नंबर का जो एंट्री है वो क्या कहता है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम थ्री इंटरप्राइजेस। थ्री इंटरप्राइजेस से हमने कुछ आइटम परचेज किया है, ठीक है, और इस पर तमाम 18% जीएसटी है। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी अब इसमें नया कंसेप्ट अभी कुछ भी नहीं है, आगे जो नए कंसेप्ट आएंगे उनको हम देखेंगे। इसमें जहां पर आईजीएसटी का जिक्र नहीं किया गया वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, इस बात का विशेष या बखूबी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो वहां से आप इनको रिकॉर्ड कर पाएंगे। बीच बीच में हम आपको बैलेंस शीट का भी जिक्र करते हैं। यदि आप इसमें नोट्स में तो बैलेंस शीट दे ही रखा, लेकिन इस बीच में यदि आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो हमारी जो क्लासेस वीडियो है, यानी जो अभी हम लाइव आपको क्लास दे रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट को भी आप मैच कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या कहती है, हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कह रही है हमारे पास कैपिटल लाइबिलिटीज है 10 लाख रुपए, ड्यूटीज एंड टैक्स अभी माइनस में आ रहा है हमारा 2,03,508 रुपये, संडे क्रेडिटर को देना है 8,13,353 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस कहता है हमारा 16,438 रुपये 72 पैसे, ठीक है। इसी प्रकार असेट की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक में 11,35,754 का माल हमारे पास है, कैश हैंड में 2,88,202 रुपये है, बैंक में 2,02,327 रुपये है। इस प्रकार से दोनों पक्ष हमारे 16,26,283 से बराबर हैं, ठीक है। तो बीच बीच में आप बैलेंस शीट को भी मैच करते जाएं, देखा कि रहे कि नहीं कर रहे हैं। वाउच एंट्री में चलेंगे और परचेस की एक वाउच एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लास हमारा सीजीएसटी एजीएसटी क्लास है, इसी क्लास के थ्रू हम करेंगे, और यहाँ पर लेजर बना लेंगे श्री एंटरप्राइजेस का। तो अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, थ्री एंटरप्राइजेस, सन्डी क्रिएटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो जीएसटी नंबर डमी आप चढ़ा सकते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। आइटम हमारे जो है वो क्या कहते हैं, एंटीवायरस नॉर्थोन है, तो हम क्रिएट नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं बना हुआ है, अल्ट सी से
कीवर्ड डिफाइन किया गया है इंडेक्स अंडर ग्रुप एंटीवायरस जाएगा। यदि इसमें बना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेंगे, नहीं है बना लेंगे। एंटीवायरस शुड क्वांटिटी बी एडेड, इस ऑप्शन को यस क्यों करते हैं ये भी हम आज की इस क्लास में देख लेंगे। स्पेसिफाई डिटेल है एचएसएन कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं 8523 8020। स्पेसिफाइड डिटेल है एक्सेबल पीस में ही काउंट करेंगे, पीस या दर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हमारा अल्टरनेट यूनिट का भी हम रख देते हैं, ठीक है, जिसको आगे कवर करेंगे, पर फिलहाल अभी भी हम समझ सकते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट बनती हो, जैसे 12 पीस का एक दर्जन बनता है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने एक दर्जन एंटीवायरस लिया। तो अल्टरनेट यूनिट के लिए आप F12 प्रेस करिए यहाँ पर, और यहाँ यस करिएगा यूज अल्टरनेट यूनिट, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ठीक है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर यूनिट के बाद अल्टरनेट ऑप्शन आपसे पूछेगा, जिसमें आप एक यूनिट और बना लीजिए अल्ट सी से। यहाँ पर बना लेंगे DOZ दर्जन के लिए, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम दर्जन। दर्जन में जो डेसिमल प्लेस है उसको हम रखेंगे, डेसिमल दशमलव के बाद कितने चाहते हैं तो दो अंकों को ले रहे। अब यहाँ पर एक दर्जन में कितने पीस आते हैं, तो हमने कहा 12 पीस। देखिए यदि आप डेसिमल प्लेस नहीं लेंगे और यदि एक पीस आपने लिया तो फिर काउंट नहीं करेगा, इसलिए डेसिमल प्लेस आपको यस करके ही चलना है। 2 पॉइंट हमने डाल दिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब यूनिट हमारी कहती है कि हमने 12 पीस लिए, नीचे बता देगा एक दर्जन। रेट हमने लिया है 900 रुपये, ठीक है, इस प्रकार 10,800 का ये बन गया है। इसके बाद अगला आइटम हमारा कहता है एंटीवायरस सेमटेक का लिया हमने, अगला आइटम हम क्रिएट करेंगे, अगला भी एंटीवायरस ही है अल्ट सी से। अंडर ग्रुप इसका भी एंटीवायरस ही जाएगा, इसको भी हम एज इट इज चलेंगे। क्वांटिटी इसका 10 पीस है, तो 10 पीस डालेंगे तो ये 8.3 पॉइंट में आ गया है, नहीं तो ये पॉइंट में नहीं आता और जीरो कर देता है। रेट हमारा है 750 रुपये, 10% GST इस पर भी, 18% GST इस पर भी है। अगला है Windows 10, तो अल्ट सी से बनाएंगे हम Windows 10। और विंडोज 10 का एक अंडर ग्रुप बना लेंगे हम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आगे हमारा कुछ सॉफ्टवेयर हमारे कम GST वाले भी, यानी 12% GST के अंतर्गत भी है। तो अभी हम एक लेजर सॉरी ग्रुप बना लेते हैं सॉफ्टवेयर 18%, जो 12% है उनका ग्रुप 12% का बनाइएगा, 18 का 18 से। HSN कोड हम डाल देते हैं इसमें 8523 8090। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल। अब ये भी हमारा पीस और सेकंड यूनिट दर्जन में, एक दर्जन 12 पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। क्वांटिटी ली हमने 2 और रेट है इसका 5,000 रुपये। इसी प्रकार विंडोज 7 भी है, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे विंडोज 7, इसको भी 18% GST में लेना।
कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी इसमें भी दो पीस है, 4500 रुपये का, पुराने रेट का है। एचपी पेन ड्राइव इसके अलावा देख लेते हैं पहले से बनी है क्या। एचपी पेन ड्राइव नहीं बनी है तो हम बना लेंगे अल्टा सी से एचपी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का अंडर ग्रुप पहले से बना है। पेन ड्राइव इस अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। पेन ड्राइव 12 पीस, इसको भी चाहे तो दो दिन में हम कर सकते थे तो नहीं अब लाभ हुए तो छोड़ सकते। पेन ड्राइव के बाद डीवीडी राइटर सॉरी डीवीडी ड्राइव सैमसंग, तो यह है वैसे तो अभी बंद हो गए हैं हार्डवेयर में पर हमारे नोट्स में है तो इनको हम ले करके चलेंगे, तो आगे जब सेल्स की एंट्री कर रहे होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। सैमसंग इसका भी अंडर ग्रुप नहीं बना है तो अल्ट सी से बना के चलेंगे। डीवीडी एचएसएन कोड हम डालकर चलते हैं 8521 8521 एक्सेबल 18। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे पीस अल्टरनेट यूनिट नहीं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी है 8 पीस, रेट है 1000 रुपये, 61242 रुपये और यही हमारा बिल भी कहता है 61242 रुपये। ठीक है, अगला आइटम पर हमारा IGST है। ठीक है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अगली वाउच एंट्री कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और अगले वाउच एंट्री भी परचेज किया लेकिन इसके लिए F9 प्रेस करेंगे और IGST लेंगे। अब हमारा IGST है, इसमें क्या कहता है हमारा, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कॉम केयर कंप्यूटर। कॉम केयर कंप्यूटर से हमने कुछ आइटम यहाँ पर परचेज किए हैं। ठीक है, तो कॉम केयर से पहले किए हैं क्या, नहीं किए गए, यानी बनाना पड़ेगा लेजर अल्ट सी से कॉम केयर कंप्यूटर इंडिकेटर कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला आइटम हमारा कहता है HDD, HDD बना है नहीं बना, नहीं बना तो अल्ट सी से आप बनाएंगे HDD लेगेसी, लेगेसी की 250 GB, 250 GB इतना ही है ग्रुप HDD आ जाएगा। HDD ग्रुप भी नहीं है, अल्ट सी से हम बना लेंगे HDD फिर क्वांटिटी भी यस। HSN कोड हम डाल करके चलेंगे 8471 7020 18% जी। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। अच्छा इसमें यूनिट नहीं डल पाई इसलिए सर यूनिट तो हमें डालना है पीस, अल्टरनेट यूनिट नहीं डालना, कंट्रोल ए करेंगे। क्वांटिटी है ये 10 पीस, रेट है 1850। इसके बाद है कैरी केस लैपटॉप बैग, तो हम बनाएंगे कैरी केस लैपटॉप, कैरी केस लैपटॉप लिखा है हमने तो ये असल में बैग है, तो अंडर ग्रुप बना लेंगे बैग। गुड क्वांटिटी भी यस, HSN कोड बैग का डाल के चलेंगे 4209900। इस पर GST है 12%, एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी पीस में काउंट किया है कंट्रोल ए करेंगे, तो 12% GST, 10 क्वांटिटी है और 850 का ये 850। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रिंटर ऑप्शन, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन प्रिंटर है क्या हमारे पास पहले से। ऑप्शन प्रिंटर LQ10204 सॉरी हाँ यही वाला है, सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें।
पहले हमने खरीदा है इसको। इसके पहले लैपटॉप आईबीएम थिंकपैड था, इसको हम बाद में डालें। चलिए तो प्रिंटर हमने सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी 2 पीस है, 17-2500 का। एक आइटम हमारा छूट गया है, इसके ऊपर दे रखा है लैपटॉप आईबीएम थिंकपैड। तो लैपटॉप आईबीएम का हमने खरीदा है क्या? पहले ओनली आईबीएम खरीदा है। इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 27,000। तो यहाँ पर थिंकपैड ही है, तो पुरानी एंट्री में आप इसको सही कर लीजिएगा। हमने एक जगह पहले जब खरीदा है तो हमने सिर्फ लैपटॉप आईबीएम खरीदा है, ठीक है? तो इसको हम सही करके चलेंगे, ये हमारा लैपटॉप थिंकपैड ही है, ठीक है? तो इसी को अब हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे और इसी में डाल देंगे हम थिंकपैड। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो एक पीस खरीदा गया है, अब खरीदा गया यही 27,500। पहले 27 में खरीदा था, 500 रुपये बढ़ गया, मूल्य वृद्धि होती है ना आइटम में कई बार, तो यहाँ पर 500 रुपये बढ़ गया है। इसके बाद टेली प्राइम गोल्ड परचेस किया जो सॉफ्टवेयर है, तो हम ले लेंगे टेली प्राइम अल्ट सी से टेली प्राइम गोल्ड, ठीक है? अब इसका अंडरग्रुप हमें सॉफ्टवेयर लेना है, 18% वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है? कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। क्वांटिटी कितना खरीदा गया है? 2 पीस हमने खरीदा है और रेट है इसका गोल्ड का 41,000, 2 पीस खरीदा, ठीक है? अगला है टेली प्राइम सिल्वर, ये भी 18% जीएसटी के साथ, इसको बना लेंगे हम टेली प्राइम सिल्वर। सिल्वर भी हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगा, 18% वाले के अंतर्गत। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। 2,000 यूनिट आप चाहें तो रख सकते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पीस और रेट है इसका 13,500। इस प्रकार से हमारा बिल, सॉरी, इसमें IGST नहीं निकला क्योंकि हमने जो लेजर बनाया होगा इस पर गलती की है, अदर स्टेट फॉर्म केयर को हमें अदर स्टेट सेलेक्ट करना था, ये मध्य प्रदेश सेलेक्ट हो गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई कंट्री, सॉरी स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश। कंट्रोल ए, अब हम देखते हैं GST निकल गया है और हमारा बिल 2,28,237, जबकि ये कहता है 2,33,000। तो देखते हैं डिलीवरी, एक और एक चीज़ है इसमें, डिलीवरी चार्ज भी है और डिस्काउंट भी है, तो हम लगा लेते हैं, एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2% डिस्काउंट की गणना करना और डिलीवरी चार्ज भी हमारा। अब इसमें डिस्काउंट दे रखा है, इंश्योरेंस चार्ज है, डिलीवरी चार्ज इसमें क्लास में नहीं है, तो हमें असल में या तो ये बिना क्लास के करना था, यदि हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो क्या होता है, पूरा चला जाएगा, ये एंट्री पास है, जा चुका है। तो हम इसको कल प्रेस कर दिया हमने, नॉट एप्लीकेबल था वो CGST हो गया, कोई बात नहीं। फॉर्म केयर को सिलेक्ट करेंगे, हमने डिस्काउंट 25 GST, आइटम है हमारा ADD, क्वांटिटी फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 पीस, 18,50। अगला है हमारा कैरी केस और ये भी 10 पीस, 850। कैरी केस के बाद लैपटॉप थिंकपैड 1 पीस, 27,500। इसके बाद देखिए, यदि थिंकपैड हमारा दूसरा लैपटॉप निकला तो फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। प्रिंटर
प्रिंटर हमने परचेस किया 2 पीस 17 पाइस। इसके बाद है टेली गोल्ड, टेली गोल्ड है 2 पीस और 41,000 इसका रेट। टेली सिल्वर ये भी 2 पीस 13 पाइस। इसके ऊपर हमारा डिलीवरी चार्ज है और डिलीवरी चार्ज जो है 400 रुपये हम डाल देंगे, 400 रुपये। डिलीवरी चार्ज के अलावा हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट -3%। इसके बाद हमारा IGST है, तो ये बन गया 228,237, 228,237। आप देख सकते हैं 228,237 रुपये का ये बिल है। तो इस प्रकार से आपको वाउचर एंट्री बिल बाय बिल करते जाना है। नेक्स्ट क्लासेस में एक और एंट्री देख लेते हैं, पहले डिपॉजिट इनटू SBI। SBI में हमने यहाँ पर 1 लाख रुपये जमा किए हैं, चलिए इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ एंट्री पेमेंट की भी है, उसको हम दे देंगे, पर वो अगले उसमें देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और एक वाउचर एंट्री हम कॉन्ट्रा की कर देते हैं। और से डेबिट होगा हमारा, क्रेडिट होगा केस, तो केस हम सेलेक्ट करेंगे 1 लाख रुपये और डेबिट होगा बैंक। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, बैलेंस शीट हमारी देख सकते हैं। इस बैलेंस शीट को स्क्रीन को रोक करके और फिर आपको मैच करना है, हर वैल्यू को आप इस मैच करके चलिएगा, ठीक है, कितना किस में आ रहा है, इंडिकेटर्स में कितना है, डेटर्स में, ड्यूटीज एंड टैक्स में, और फिर आगे बढ़िएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शुभम एकेडमी प्ले स्टोर से, शुभम एकेडमी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।